फाइनली आप बताइए कि आपको सेवा करके कितना अच्छा लगता है, इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमन करता हूँ जो बॉलीवुड की बातें मैं पिछले 10 साल हो गया, क्योंकि जब मेरी फिल्म हुआ आया था 2014 में, मेरी फिल्म में ढूंढ लेंगे मंजिलम, तब से लेके अब तक वो साथ है मेरे। एंड थैंक यू बॉलीवुड की बातें, एंड थैंक यू सीजी 24 के जो मालिक है उनको मैं, हमने छत्तीसगढ़ के उनको मैं अध्यक्ष बनाया है बड़ा साहब फालके के अंदर। और आज दो आदमी को मैंने जोड़ा है, एक सावन जी को जो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, और दूसरा हमने हमारी संस्था में जुड़े हैं जो मीडिया प्रभारी बनाया, मैंने आज एक नया पोस्ट दिया है हैदर को जो बॉलीवुड की बातें के वो संपादक है, और उसको हमने महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है मीडिया का, मीडिया सेल का। उसके अलावा मेरे साथ में मैडम रजा मैडम है जो बेहतरीन काम करती है, वो उसके साथ साथ में एक मॉडल है, रैम शो करती है, और साथ साथ में एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लेडी है और समाज सेवी के है। इन्होंने जब इनको मैंने बोला था जो आप कुछ नहीं, आपको हम पोस्ट दे रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 11 आदमी का आना चाहिए। बोलता है नहीं मुझे पोस्ट में, आप 11 आदमी नहीं, आप 20 आदमी का ले लो, 50 आदमी का ले लो, मुझे आपके साथ जुड़ना है और मुझे हेल्प करना है। तो मैंने बोला नहीं मैडम 20-25 नहीं चाहिए मुझे, मुझे अगर कोई भी इस एनजीओ में जुड़ना चाहते, कोई भी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, 11 आदमी का अनाज, आज भी सुन लीजिए आप लोग, मुझे पैसा नहीं है, 11 आदमी का अनाज जो मुझे देगा उसको हम इस एनजीओ में जुड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में क्यों ना हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री में क्यों ना हो। तो मैडम को बोला, मैडम बोलता है नहीं कल्याण जी 11 तो ठीक है, आप जब बोलोगे, जैसे बोलोगे, जैसा मुझसे होगा मैं मदद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैडम, आप जुड़े और जुड़ने के बाद इतने सारे मदद किया आपने। इसके अलावा मेरी वीरू जैन है जो हर रोज़ वो दादर से आते हैं, और जब भी मैं उसको मैंने 1 घंटा पहले बोला भाई तू आ जा जल्दी फटाक से, तो भाग के वो आ गया, क्योंकि यहाँ जो मेरे साथ मेहनत करेंगे वही डी पी आई में रहेगा, क्योंकि डी पी आई एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेहनत करने वाले को ये जगह है, जो मेहनत नहीं करेगा वो सीधा अपने आप भाग जाएगा। एंड उसके साथ में अरविंद हमेशा जो पिछले 3 दिन से मेरे साथ में वो लगे हैं, इसके साथ साथ में मेरा कमल खान साहब है जो एक्ट्रेस है, और वो आए हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए। हेमा शर्मा जो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो आई है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। इसके अलावा गौतम जी है, कुमार गौतम जो हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज है, उसको बनाया गया, वो आया यहाँ पर हेल्प करने के लिए। श्रावण जी यहाँ पर आए हैं, वो अपनी अच्छे पानी अच्छे बातों रखने के लिए, मेरे लिए ये संस्था के लिए, उसको आज नया पोस्ट दिया गया, उसको आज नया आर्टिस्ट का उसका एक मेंबर बनाया गया, मतलब जितने भी आर्टिस्ट अगर कोई जुड़ना चाहते हैं, कॉमेडियन आर्टिस्ट नहीं कॉमेडियन, तो उसका कॉमेडी का पूरा जो भार है उसको मैं दे रहा हूँ, मतलब कॉमेडी का एक सेल बनाया हमने DPIF का, जितने भी कॉमेडियन है अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो सावन जी को मिले, क्योंकि सावन जी को मैं हेड बना रहा हूँ, प्रेसिडेंट बना रहा हूँ ओनली फॉर कॉमेडी सेशन का। मैं कॉमेडी का सेल बनाया, जैसा मीडिया का सेल बनाया मैंने, ऐसा कॉमेडी का मैं सेल बना रहा हूँ। तो मीडिया का सेल के लिए आप हैदर जी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कॉमेडी के लिए आप सावन जी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लोग आज हंस रहे हैं हमारे ऊपर जो आए ये क्या कर रहा है, लेकिन वही हंसने वाला पीछे से खड़ा रहेगा लाइन में, भैया वो दरवाज़ा कहाँ है जहाँ पे एंट्री है दादा साहब फाल्के के अंदर घुसने के लिए, और उस दिन शायद उन लोगों के वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि तभी बहुत लेट हो जाएगा। आज हंस रहे काफ़ी सारे लोग, बैनर फाड़ के जा रहे हैं, पीछे से बातें करते हैं, इसी मीडिया में कुछ मीडिया कर्मचारी भी है जो जिनको मैंने लेके आया यहाँ तक, वो पीछे से बात कर रहे हैं। मैम सभी से मैं नमन कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं स्ट्रांग नहीं बनेगा, और तब तक मेरे अंदर योद्धा की तरह ताकत नहीं आएगा, तो बोलते रहो, मुझे खुद को अच्छा लगेगा और मैं और आगे बढ़ते जाएगा, और इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बन जाएगा ना, जिस दिन मैं दुबई में शो कर लिया ना भाई, उस दिन तुम लोग पीछे से आओगे बोलोगे भाई दरवाज़ा किधर है दुबई जाने के लिए, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना, सीधा बंद हो जाएगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, तमाम जो यहाँ पर आए हैं उसके साथ में हमारे विजय सक्सेना साहब आए हैं, जो बेसिकली वो आते नहीं हैं लेकिन मेरे लिए आते हैं, मैम थैंक्स टू विजय सर, वो आते नहीं है, और सबसे पहले फ़ोन करता था भाई कहाँ है, नहीं आता मैं 1 घंटे में 1 घंटे में, लेकिन वो फटाक से आ गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़े जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ। आने वाले अवार्ड शो 24 मई को जो मेरा होने जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड, शायद वो 15 के बाद मैं एक बड़ा अनाउंस करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 16 तारीख को मेरा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 24 मई को मेरा शो हो रहा है या पोस्टपोन कर रहा हूँ उसके लिए मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है 16 तारीख को, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ 20 मीडिया बुला के। तो 24 मई को
इसी 24 मई को मेरा शो है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव, जो इस मिट्टी का राजा, महाराष्ट्र के राजा, हम सब के राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो मेरा अवार्ड शो हो रहा है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड, हम लोग 120 नारी को सम्मान कर रहे हैं। वो 24th मेरा जून को था, शायद मेरा वो जुलाई होगा, 24th जुलाई होगा। उसके अलावा मैं कर रहा हूँ द DPI बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, द बिजनेस मैन 120 बिजनेस मैन का हम सम्मान कर रहे हैं, वो होगा 24th अगस्त को, वो सेम तारीख है। और उसके बाद इस साल का सबसे बड़ा शो दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स 2021 24th of November DPI लेके जा रहे दुबई की धरती में धमाल करने के लिए। और उसके अलावा उसके साथ में होगा द बहुत ही प्यारा दादा साहेब फाल्के आइकॉन मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉन दार्श द इंटरनेशनल फैशन शो, जिसके लिए बहुत सारे मॉडल का नाम आ चुका है। अब बताओ 24 नवंबर को है, अभी तक 11 मॉडल का नाम आ चुका है। तो ये फैशन शो और साथ में अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के का 24 नवंबर को। तो प्लीज़ आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए, हमारा पेज को आप दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के पेज को लाइक करें, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें प्यार दीजिए और उसके साथ साथ में आप लोग जुड़े, जुड़ने के लिए सिर्फ हम लोग ले रहे हैं 11 आदमी का अनाज, पैसा नहीं है, सिर्फ अनाज ले रहा है। जो अनाज वो तमाम जो कलाकार, तमाम जो स्ट्रगलर जो इस शहर में रहते हैं और जो जिसके घर में नहीं है वहाँ तक वो अनाज जा रहा है, और हम लोग घर घर दे रहा है, प्रैक्टिकली दे रहा है। ऐसा नहीं है भैया संस्था में कुछ संस्था में आते हैं सीधा अंदर आ जाते हैं, भाई अंदर ले थोड़ा आधा आधा दो, भैया नहीं, यहाँ पर जो भी डोनेट आते हैं या जो भी मैं लेके आता हूँ अपने हाथों से जा के फेसबुक लाइव होता है और सच्चाई का सामना के साथ मैं सबको मैं देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद करता हूँ मेरी माँ को आज, थैंक यू मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है शंकरी जाना, जो मुझे यहाँ पे पाला है आरती बांबुलकर, धन्यवाद मेरी टू यंग ब्यूटीफुल माई मामा, थैंक यू सो मच। मेरा तीसरा माँ है यहाँ पे मिट्टी, और ये जो माँ है ये माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, थैंक यू। लास्ट में मेरी मुंबा देवी माता जिनके वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम DPI के टीम ऑल मेंबर, मेरे संस्था के ट्रस्टी के जितने भी लोग, पंडित सेट्टी हुआ, हमारे लीगल एडवाइज़र, हमारे शैलेश दुबे जी, ब्रांड एम्बेसडर अजय सहाय जी, मिलन जाना जो रोज़ खाना बनाते हैं सुबह 5 बजे उठ के, और यहाँ पर 12 बजे हर रोज़ 12 बजे 200 आदमी खाना खाते हैं यहीं इसी जगह पे, जो मेरा भाई मिलन जाना जो रोज़ खाना बना के, बस कुक है वो, डांस कोरियोग्राफर है वो, आज नहीं है गाँव में है, तो वो उसके साथ में अर्चना जैन जो बहुत अच्छे इसमें हेल्प करते हैं वो, और तमाम जो लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए, और साथ में कोई भी अगर आप एक आजू बाजू में अगर उसको मदद चाहिए तो मदद करिए, अगर है तो करिए, नहीं है तो किसी से कराइए, ये जरूर करिए, तो कितना सुकून मिलता है और रात को अच्छा से नींद कैसा आता है बिना AC का और बिना पंखा का, अगर आप हेल्प करोगे तो बिना पंखा का भी आपको नींद आ सकता है। धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल।